हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचआर एकेडमी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, क्या पता है कि चार चैप्टर लगभग हम फिनिश कर चुके हैं, ठीक है ना। ये अपना लास्ट चैप्टर होने वाला है, जिस चैप्टर का नाम क्या है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के परिणाम। तो क्या होते हैं भाई लोकतंत्र के परिणाम? तो तीन रूप पढ़ने वाले हैं। पॉलिटिकल परिणाम पढ़ेंगे भाई, फिर इकोनॉमिकल पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, सोशल। तो तीन परिणाम पढ़ने वाले, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिणाम, ठीक है ना। ये समझ के तुम घबराना मत, पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी होती क्या है, लोकतंत्र क्या होता है। किस किस को पता है लोकतंत्र क्या होता है, कमेंट में जल्दी से आंसर दोगे। बाकी मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा। बढ़िया फोटो खींच रखे यार, दो दो उंगली दिखा रखे सबने है। चलो भाई, व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है, जल्दी बताओ। लोकतंत्र क्या है भाई, व्हाट इज डेमोक्रेसी, क्या होता है भाई लोकतंत्र। देखो, मैं तो भाई तुम्हें चार चीजें बताऊंगा, तुम्हें अच्छे से पता लग जाएगा लोकतंत्र क्या है। चार चीजें समझाऊंगा बस, चार चीजें से पता लग जाएगा लोकतंत्र है। तुम्हें क्या पता, देखो तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ रही होगी। देखो क्या आ रही होगी, पहले नॉर्मल समझो तुम्हारे दिमाग में क्या हो रहा है। इलेक्शन होने चाहिए, कुछ कुछ के दिमाग में बस हो रहा होगा इलेक्शन होने चाहिए देश में। वो डेमोक्रेसी वहां होती है जहां इलेक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये गलत है। एक के दिमाग में आ रहा होगा इलेक्शन होने चाहिए, फ्री एंड फेयर होने चाहिए। फ्री एंड फेयर, उसको बोलते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष। एक के दिमाग में आ रहा होगा इलेक्शन होने चाहिए, फ्री एंड फेयर। एक तो इलेक्शन होने चाहिए वो गलत है बाबू, ध्यान रखना, फ्री एंड फेयर होने चाहिए। एक के दिमाग में आ रहा होगा, प्रॉपर डेफिनेशन ये नहीं कह सकते हम कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे। तो जैसे आ जाओ चाइना, चाइना के अंदर क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी होती है, कैंडिडेट भी चुना जाता है, एंड डिसीजन जो होता है ना कम्युनिस्ट पार्टी लेती है। पॉलिटिकल पार्टी जो वहां पे, कम्युनिस्ट पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, वही एंड डिसीजन लेती है। कैंडिडेट चुने जा रहे हैं, आपके इलेक्शन हो रहे। तो एक तो ऐसे गलत हो गया, इलेक्शन हो रहे हैं लेकिन डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों? कैंडिडेट स्वतंत्र नहीं है, जो भी सारे डिसीजन कौन ले रही है, कम्युनिस्ट पार्टी ले रही है। तो आप बोलोगे फ्री एंड फेयर, फ्री एंड फेयर ही तो हो रहे, कैंडिडेट जीत रहा, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई धांधलेबाजी नहीं, कैंडिडेट जीतेगा, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है भाई, कैंडिडेट तो जीत जा रहा है लेकिन क्या चीज हो रही है, डिसीजन एंड में कौन ले रहा है, वो नहीं ले रहा है। तो चार पॉइंट समझेंगे, चार पॉइंट से समझ आ जाएगा लोकतंत्र क्या है। उसमें फ्री एंड फेयर आता है दोस्तों, उस पॉइंट में टेंशन लेना, जिसने सोचा एकदम सही सोचा है लेकिन बस प्रॉपर डेफिनेशन नहीं आई है, ठीक है। पहले तो तुमने क्या सोचा है, फ्री एंड फेयर ही लिख लो। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, किसी दबाव में नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। और निष्पक्ष फेयर चुनाव होने चाहिए, वन पीपल वन वोट, ये पढ़ा होगा आपने 9th में, पढ़ाई नहीं करी तो क्या समझ आएगा। वन वैल्यू, हर एक बंदे की वोट की वैल्यू होनी चाहिए एक ही होनी चाहिए भाई, चाहे अमीर हो गरीब हो, एकदम बैलेंस। अमीर की वोट की वैल्यू उतनी होनी चाहिए जितनी गरीब की होनी चाहिए, वुमेन की भी उतनी चाहिए होनी चाहिए जितनी मैन की। तो सबके वोट की वैल्यू क्या है, एकदम बराबर है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, इलेक्शन होने चाहिए, सही है, इलेक्शन होने ही है मेन, तो इलेक्शन है। लेकिन इलेक्शन होने के बाद जो कैंडिडेट जीतता है, तो अंतिम डिसीजन एंड डिसीजन कौन ले रहा है, आपका, वो ले रहा है, तो फिर ठीक है। एंड डिसीजन किसका बनता है भाई, किसका बनता है एंड डिसीजन, जो भी आपका कैंडिडेट है, जो भी पार्टी में खड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन पूरी बन जाती है। इसके बाद एक और आप बोलोगे, तो एक डेफिनेशन क्या बन जाए, एक और पॉइंट क्या बन जाएगा, कि जो भी कानून होता है, कानून एक शासन के, कानून के हिसाब से शासन होना चाहिए। कानून है तो यहाँ पे कानून क्या अपना, संविधान ना, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या होता है, रूल होता है इंडिया के अंदर। और जितने भी राइट्स होते हैं उनका सम्मान होना चाहिए, मतलब अधिकारों का सम्मान होना चाहिए भाई। तो ये आपकी प्रॉपर डेफिनेशन बन जाती है दोस्तों डेमोक्रेसी की। तो आपको समझ आ गया अब डेमोक्रेसी क्या होती है, क्या समझ आया, सबकी वोट की वैल्यू बराबर हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। थर्ड आपका क्या हो जाएगा, थर्ड भी हमने क्या पढ़ा, कि इलेक्शन जो होता है उसमें अंतिम डिसीजन एंड डिसीजन, इलेक्शन हो रहे, कैंडिडेट जीत रहा है, यहां तक ठीक है। लेकिन यहां से और भी एक स्टेप होता है, एंड वाला स्टेप क्या हो जाएगा, कि वो कैंडिडेट जीतने के बाद अंतिम डिसीजन वही ले जिसको हमने चुना है, यानी हमारा जो प्रतिनिधि होगा, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसको चुना है, वही एंड डिसीजन लेगा, तब हम डेमोक्रेसी कहलाएंगे। और एक कानून के हिसाब से शासन होना चाहिए और सभी के राइट्स का सम्मान होना चाहिए। तो ये आपकी प्रॉपर डेफिनेशन बन जाती है डेमोक्रेसी की। जल्दी से लाइक ठोक दो जिसको अच्छे से समझ आ गया, जल्दी तुरंत अभी लाइक ठोको जब भी वीडियो स्टार्ट करना भाई। तो ये कमेंट कर दो एक प्यारा सा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चलो लिख लो इसे भाई, पहले लिख लो फिर लाइक कमेंट करना आराम से, पहले तुम जरूरी हो, जरूरी हो मेरे लिए, लाइक कमेंट जरूरी नहीं है, लिखो जल्दी से। चलो भाई, वीडियो तो सही बन रही है। चलो ये तो समझ आ गया भाई तुम्हें ये सारी चीजें, चलो नेक्स्ट बात करते हैं।
हाँ भाई देखो इसके अंदर अभी पढ़ेंगे वो, अभी नॉर्मल चीजें और भी सारी चीजें जान ले। तानाशाही शासन आपने सुना होगा, ठीक है, डिक्टेटरशिप, ठीक है, और अन्य शासन। अन्य शासन में क्या आ जाएगा आपका, डेमोक्रेसी को छोड़ के अन्य शासन में आपका राजतंत्र आ जाएगा, मोनार्की सिस्टम, ठीक है, डिक्टेटरशिप में पढ़ लिया। तो ये सब शासन से अच्छा शासन होता है आपका डेमोक्रेसी वाला शासन, लोकतंत्र। अच्छा क्यों अच्छा होता है, इसमें हमें सभी राइट्स मिलते हैं, मिलते हैं नहीं मिलते भाई, ठीक है, हमें क्या मिलती है, फ्रीडम मिलती है पूरी पूरी, जस्टिस मिलता है। क्या आपको ये तीनों चीज यहाँ मिलती है, क्या यहाँ मिलती है, आपका होगा हाँ मिलती है। हाँ अगर शासक अच्छा आ गया तो ठीक है, नहीं तो बेकार है, तो ये सब चीजें, लेकिन लोकतंत्र में सारी चीजें मिलेगी भाई, ठीक है ना, शासक अच्छा है ना उससे कोई मतलब नहीं, लोकतंत्र में सारी चीजें। हाँ आप बोलोगे हमें भाई आजादी नहीं मिलती, हमें सारी चीजें जस्टिस नहीं मिलता, आपको आवाज उठानी पड़ेगी, आप जब तक आवाज नहीं उठाओगे नहीं मिलेगा, आपके पास मौका है डेमोक्रेसी के अंदर, मौका है कि आप आवाज उठा सकते हो, सारी चीजें मांग सकते हो, बट यहाँ तो कोई मौका ही नहीं है, रातों रात गायब हो जाता है, कोई जस्टिस मांगने की कोशिश करता है, ठीक है ना, इस कारण हम बोलते हैं डेमोक्रेसी बेस्ट है भाई इन सबसे, ठीक है। तो समझ आ गया क्यों बेस्ट है, आप अच्छे से लोकतंत्र की विशेषताएं जान लो, फीचर्स क्या होते हैं डेमोक्रेसी के। तो लोकतंत्र जो होते हैं नागरिक की समानता को बढ़ावा देती है। समानता क्या, यहाँ पे सभी व्यक्ति को इक्वल माना जाता है, किसी भी व्यक्ति के साथ गलत होता है वो आवाज उठा सकता है, उठा दोगे मोनार्की सिस्टम में आवाज, कह रहा हूँ रातों रात गायब हो जाते हैं वहां से, वो कोई आवाज नहीं, कोई जैसा हम चाहेंगे वैसे चलेगा, चाइना वगैरह में पता है तुम्हें, फेसबुक वगैरह तक यूज नहीं करने देते भाई, ठीक है ना, चीजें लीक ना हो जाए अंदर की बातें, अरे कुछ और मत सोचना। लोकतंत्र में व्यक्ति गरिमा को बढ़ावा दिया जाता है, क्या जो भी डिग्निटी होती है, जो भी रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सके व्यक्ति, इतना करा जाता है किसके अंदर, लोकतंत्र के अंदर। बट बाकी मोनार्की सिस्टम वगैरह में जनता से कोई मतलब नहीं होता, शासन करो बस अच्छे से। आपने ये तो बहुत पढ़ा होगा, इससे फैसलों में बेहतरी आती है भाई, ठीक है ना, मतलब फैसले अच्छे हो जाते हैं, बेशक लेट फैसले होते हैं, टाइम लगता है फैसलों में, लेकिन अब जो फैसला आएगा बेहतरीन फैसला आएगा, अच्छा फैसला आएगा, ठीक है ना, उसमें कोई लो पोल नहीं होगा। तो ये सारी चीजें डेमोक्रेसी में होती है, उसमें जल्द, और मोनार्की सिस्टम वगैरह में बाकी सिस्टम में जल्दी फैसले लिए जाते, चाहे अच्छे हों चाहे गलत हो, ठीक है, इसमें गलतियों की सुधारने की गुंजाइश होती है। अगर आप अच्छा नहीं काम करोगे तो आपको हटा दिया जाएगा, जनता किसी और को चुनेगी, फिर आपके पास अपनी सुधारने का मौका है, गुंजाइश को, जो भी सॉरी अपनी गलतियों को, ठीक है, सुधारने का मौका होता है, आप दोबारा अच्छा काम करो, ठीक है, उसके बाद आपको दोबारा बुला लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें होती है उसके अंदर डेमोक्रेसी के अंदर, बट उसके अंदर ऐसा कोई नहीं होता, आप गलतियां करते जाओ आप ही रहोगे, टेंशन की बात नहीं है, आपसी विवाद वगैरह हो जाते हैं, टकराव वगैरह हो जाते हैं, संभालने का तरीका है, क्या तरीका है, आपकी जुडिशरी हो जाएगी, न्यायपालिका हो जाएगी, ये है आपके पास सुधारने के लिए, ठीक है ना। राज्य वगैरह आपने अभी फेडरलिज्म पढ़ा हो तो उसमें मैंने पढ़ा है कि राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो अगर दोनों के बीच, राज्य सरकार जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, कौन संभालता है, न्यायपालिका संभालती है, नॉर्मल सी बात है। तो समझ आ गया होगा, अच्छे से लिख लो, इंग्लिश वालों टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए भी चीजें लिख रखी है, हिंदी वाले लिख लो भाई, इंग्लिश वाले किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब अपने यूट्यूब चैनल में मिलेगा दोस्तों, चैप्टर फिनिश हो जाएगा, अपने पांचों चैप्टर फिनिश होने के बाद आपको कराने वाला हूँ सब तरह के क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ना आपको, मतलब एचआर एकेडमी में जितनी भी वीडियो डलेगी सब देख के जाओ, आपको पे क्वेश्चन पेपर के अंदर, वे हाँ, आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर एक क्वेश्चन भी बाहर देखने को नहीं मिलेगा, एक क्वेश्चन भी, क्वेश्चन पेपर जाओगे खुश होगे, हर एक क्वेश्चन को देख के खुश होगे, सब एचआर एकेडमी में जो कराया वही पूछा गया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन की एकदम टेंशन लेने की बात नहीं है, लिखने का वे सब सिखाएंगे, लिखने के वे की मैंने वीडियो डाल रखी है, वो देख लोगे तो इतना लिखने का तरीका तुम्हें ठीक ठाक आ जाएगा, 5 में से लगभग 4.5 नंबर मिलेंगे, लेकिन आधा नंबर है, सब चीज नहीं बताऊंगा, सब चीज बता दोगे फिर तुम अनफॉलो कर अनसब्सक्राइब करके कसा नहीं खा जाओगे, तो सब चीज अभी नहीं, धीरे धीरे मिलती रहेगी खुराक, टेंशन मत लो, ठीक है, बुरा मान गए क्या भाई, अभी सब चीज नहीं बता रहे सर, बुरा मान गए तुमने घर से, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं, चलो आ जाओ, मजाक कर रहा था, ठीक है। चलो भाई सुनो ध्यान से, 100 देशों से अधिक देश डेमोक्रेटिक सरकार को फॉलो करते हैं, ठीक है, मतलब 100 से ज्यादा देशों में क्या है, डेमोक्रेसी है, फिर भी 100 के 100 देश एक लाइन से बराबर है, क्या उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन एकदम विकसित लेवल की है, मतलब डेवलप्ड लेवल की है, उसके बाद उसका सांस्कृतिक में देखा जाए, कल्चर में देखा जाए, सबसे टॉप का कल्चर उनका है, सामाजिक में देखा जाए तो सबसे अच्छी सोसाइटी उनकी है, नहीं तो दोस्तों अलग अलग चीजें होती है, ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें होती है, वहां की पॉपुलेशन देखी जाती है, अभी आगे पढ़ने वाले हैं सभी पॉइंट्स को, ठीक है ना, ध्यान से, तो ध्यान से देखो यहाँ पे सबके पास अपना संविधान है, मैंने बोला कि हर लोकतांत्रिक देश की सिचुएशन अच्छी है, देखो हाँ लोकतांत्रिक देश, मान लो कि लोकतांत्रिक जो डेमोक्रेसी वो अच्छी है, अन्य जितने भी सिस्टम चल रहे हैं, मोनार्की सिस्टम, ठीक है, डिक्टेटरशिप, इन सबसे अच्छी डेमोक्रेसी है मानते हैं, बट हर मर्जी की दवा हम उसको नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते डेमोक्रेसी है तभी चीजें अच्छी होगी, अच्छी होती तो फिर अमेरिका में भी डेमोक्रेसी है, इंडिया में भी, इंडिया बहुत पीछे अमेरिका से,
दोनों जगह डेमोक्रेसी फॉलो की जा रही है, लेकिन अमेरिका में कुछ और सिचुएशन, कुछ और सारी चीजें, इस कारण अमेरिका आगे है पॉपुलेशन में। भाई इंडिया बहुत आगे है उससे, तो बहुत सारी चीजें देखी जाती है, ठीक है। उसकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, इस कारण वो बहुत आगे है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती है, ग्लोबल लेवल पे उसका स्टेटस अच्छा है, उसका कल्चर पावरफुल है, तो ये सारी चीजें देखी जाती है, तब जाके हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के अंदर सभी देश नई ग्रोथ करते हैं, कि जो लोकतंत्र को अच्छी तरीके से फॉलो कर लेते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, 100 देशों में लोकतंत्र है, 100 से ज्यादा देशों में लोकतंत्र भी पड़ा। अच्छा, इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, पॉलिटिकल, फिर आपका क्या आता है पॉलिटिकल के बाद, अभी हमने पढ़ा सोशल, सांस्कृतिक ले लो, ठीक है, कल्चरल ले लो, सोशल ले लो, वो तो अभी उसमें पढ़ेंगे ना परिणाम में, कल्चर वाइज ले लो। फिर आ जाएगा आपका इकोनॉमिक, अब मुझे आप बताओ कि सभी देशों की तीनों चीजें एकदम सही है, 100 के 100 देशों की, 100 देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था फॉलो करी जा रही है, ये तीनों चीजें सही है, नहीं, इसमें तीनों चीजों में अमेरिका बहुत आगे है, इंडिया तीनों चीजें में अमेरिका के मामले में बहुत पीछे है। अमेरिका में है डेमोक्रेसी, इंडिया में भी है डेमोक्रेसी, फिर भी इंडिया क्यों पीछे से, क्या कारण है? तो हर चीज लोकतंत्र से नहीं होगी, बहुत सारी चीजें होती है इसमें, ठीक है ना। लोकतंत्र सिस्टम को अच्छा चला सकता है, ठीक है ना, लेकिन हर मर्जी की दवा नहीं है, हर चीज लोकतंत्र नहीं हो सकती, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। पॉलिटिकल में लोकतंत्र बहुत आगे, लेकिन हर चीज लोकतंत्र से नहीं हो सकती ना, बहुत सारी चीजें और भी होती है, तो उस पर अब चर्चा करेंगे हम अच्छे से। समझ आ गया इतना आपको, अब ये लोकतंत्र के परिणाम अब आए हैं असली, ठीक है ना, कि लोकतंत्र के परिणाम क्या क्या पढ़ेंगे, राजनीतिक पढ़ेंगे, पॉलिटिकल पढ़ेंगे, इकोनॉमिकल पढ़ेंगे और सोशल, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं भाई, सामाजिक से, चलो फिर स्टार्ट करते हैं, आ जाओ अब ध्यान से समझना चीजें, देखो वर्ड देख के डरना नहीं है, ठीक है। हार्मोनियस सोशल इन सोशल डाइवर्सिटीज, यानी सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य, सामंजस्य का मतलब आप समझ लो बैलेंस, ठीक है, इसका मतलब क्या समझ लो, बैलेंस। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से बस जनता इतनी उम्मीद करती है, देखो अभी इसमें सब उम्मीदें पढ़ने वाले हैं, जनता क्या उम्मीद करती है, वो यही उम्मीद करती है, और ये फर्ज बनता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, कि जितनी भी कम्युनिटी वहां पे रहती है, जितने भी समुदाय रहते हैं एक देश में, उन सब में बैलेंस बना रहा है, आपस में लड़ाई झगड़ा ना होना चाहिए, ठीक है ना। हिंदू मुस्लिम से एकदम प्यार से रहे, टेंशन लेने की बात नहीं है, ईसाई बुद्ध वगैरह जो भी बुद्धिज्म जो भी धर्म फॉलो किया जाते हैं, सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, ये जनता भी उम्मीद करती है, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि उसे ये सारी चीजें करनी चाहिए भाई, ठीक है। उसके बाद नागरिकों की गरिमा और आजादी, देखो सुनना, अब क्या क्या फर्ज बनता है और जनता क्या चाहती है, जनता यही चाहती है दोस्तों कि व्यक्ति की गरिमा जो भी डिग्निटी है, ठीक है, वो रिस्पेक्टफुल लाइफ जिए और उसको पूरी की पूरी आजादी हो, ठीक है, उसको क्या हो, पूरी पूरी फ्रीडम हो दोस्तों, उतनी फ्रीडम नहीं, क्या फ्रीडम का मतलब सोच रहे हो, हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे, हमारा मन चाहे हम घर की कुर्सी बाहर फेंकेंगे पड़ोस में, फिर पड़ोस की कुर्सी इधर फेंकेंगे, इतनी फ्रीडम होनी चाहिए। देखो फ्रीडम का मतलब समझ लो, आप इसका गलत मतलब मत समझना, फ्रीडम का मतलब होता है आपके पास इतनी फ्रीडम है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आपकी फ्रीडम, देखो आपके पास भी फ्रीडम है, सामने वाले के पास भी फ्रीडम है, समझना, जैसे ये आप हो, ये सामने वाला, ठीक है, उसके पास भी फ्रीडम है, तुम रखते हो तो इसके पास भी फ्रीडम होगी, दोनों के पास है, आपके पास पूरी फ्रीडम है, बस उस फ्रीडम से इसको नुकसान नहीं होना चाहिए, फिर इसकी फ्रीडम को नुकसान नहीं होना चाहिए भाई। आपके पास फ्रीडम है, आपका मन करे अपने घर में फेंको कुर्सी, तो पूरी फ्रीडम में फेंक इधर उधर, पड़ोस में फेंक रहे हो ना, पड़ोस वालों को दिक्कत हो रही है, मतलब अब उसकी फ्रीडम पे क्या आ रही है, आँच आ रही है, तो दूसरे की फ्रीडम फ्रीडम, अपनी फ्रीडम फ्रीडम, दूसरे की फ्रीडम कुछ भी नहीं है, तो ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। आपको पूरी पूरी आजादी है, जो आपका मन करे करो, मारो सरों में कुर्सियां, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से ये उम्मीद करती है कौन, जनता, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फर्ज बनता है करने का, क्या क्या फर्ज बनता है भाई, देश में इक्वालिटी होनी चाहिए, राइट्स मिलने चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, समानता मिलनी चाहिए, अधिकार न्याय, ये सब हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, ठीक है। आप बोलोगे इसमें फ्रीडम नहीं जोड़ा, अरे ये तो अलावा वो आजादी, ठीक है, ये सारी चीजें मिलनी चाहिए हर एक व्यक्ति को। तो ये सामाजिक चीजें हमने पढ़ी कि जनता क्या उम्मीद करती है और क्या फर्ज बनता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, सामाजिक समझ आ गया, अब दो रह रहे हैं, अब आ जाओ आर्थिक पे। देखो 1950 से 2000, क्या बोला मैंने, 1950 से 2000 के बीच क्या हुआ भाई, डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर दोनों चीज, डेमोक्रेटिक सिस्टम और एक डिक्टेटरशिप, अगर दोनों में कंपेयर किया जाए, किस मामले में, आर्थिक के मामले में, ठीक है ना, आर्थिक मामले में कौन आ गए, कंपेयर करा जाए तो डिक्टेटरशिप बहुत आ गए इससे, ठीक है, अगर कंपेयर करा जाए तो डिक्टेटरशिप के पास ज्यादा पैसा, जो भी तानाशाह वाला देश है, इकोनॉमिकल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इकोनॉमिकल बहुत स्ट्रांग है, बस इतना, इधर आना एक बार, वहां
एक उंगली दिख रही है तो चार उंगली इधर भी अपने पास, ठीक है ना। डेमोक्रेटिक सिस्टम में समानता है भाई, इक्वालिटी है, क्या सभी राइट्स मिलते हैं? हाँ भाई मिलते हैं। क्या पूरी फ्रीडम है? हाँ है। क्या विरोध कर सकते हो? पॉइंट लिखते जाऊंगा, पढ़ते जाऊंगा, पूरा ये बोर्ड ही भर जाएगा। ये सारी चीजें इसमें है। चलो 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 कमेंट करो, इसमें है या नहीं है दोस्तों? पैसे से आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये सारी चीजें कहाँ से लाएगा? पैसा बहुत है, इक्वली समानता ही नहीं है लोगों में। एक ऐसी एसटी बहुत ज्यादा पैसा, समानता ही, समाज में कोई वैल्यू नहीं है, राइट्स राइट्स ही नहीं है कुछ, कोई आवाज ही नहीं उठा सकता। गलत होगा फिर गलत ही होने दो। तो ये सारी चीजें इसके पास नहीं है, एक चीज होने से कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अभी मैंने आपको एक चीज और बताती है, हर तानाशाह देश इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, सभी डेमोक्रेसी कंट्री को मिला है, इसको मिला है तब जाके हाँ ये आगे है। क्या हर तानाशाह वाला देश भाई बहुत पैसे वाला है? नहीं। जैसे हर डेमोक्रेसी, हम नहीं कह सकते कि हर डेमोक्रेटिक देश अमीर है विकसित है, इसी तरीके से हर एक डिक्टेटरशिप वाला देश क्या नहीं है भाई, इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, ठीक है ना। समझ गए होगे, अच्छे से एकदम समझाया है, तो उसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक प्यारा सा, फिर मिटो इसको, फिर आगे चले हम। इसलिए डिक्टेटरशिप को अच्छा नहीं मानना है, ये सारी सुविधाएं है जो यहाँ मिली है दोस्तों वो यहाँ नहीं मिलेगी, ठीक है। बस डिक्टेटरशिप से तो एक आपको जरूर याद आता होगा, किम जोन याद आता है ना भाई, कोरिया है, शी जिनपिंग भी थोड़े थोड़े अब याद आ रहे होंगे आपको। चलो अब आगे बात करते हैं। आप देखो आर्थिक विकास ना कई कारण से हो सकता है आर्थिक विकास। अमेरिका इसलिए आगे, उसकी पॉपुलेशन कम है इंडिया से, बहुत पॉपुलेशन नहीं है, खाने पीने वाले लोग कम है, ठीक है ना। तो वहां की जनसंख्या मैटर करती है, उसका ग्लोबल स्टेटस मैटर करता है, कैसी स्थिति है उसकी वैश्विक में, वैश्विक स्थिति कैसी है, ठीक है। अन्य देशों से कितना सहयोग मिलता है उसे, ठीक है, कॉपरेशन विद अदर कंट्रीज, कितना कॉपरेट करता है वो, ठीक है ना, अन्य देशों के साथ कितना सहयोग करता है। देश की व्यापार व्यवस्था यार, ट्रेड ट्रेड ये इतना, ये बहुत मैटर करता है, ये इस कारण ये इतना उठा बढ़ा है ना, बहुत ट्रेड होता है दोस्तों, ठीक है, तो बहुत मैटर करता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, व्यापार इसको तो बोलने की कोई बात ही नहीं है। पॉपुलेशन तो तुम वैसे ही नहीं बोलोगे, इंडिया है ना, पॉपुलेशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद देश की व्यापार व्यवस्था क्या होनी चाहिए, बहुत दुरुस्त होनी चाहिए, सारी चीजें मैटर करता है आर्थिक विकास में, इकोनॉमिकल ग्रोथ में सारी चीजें मैटर करती है। फॉरेन पॉलिसी दोस्तों बहुत मैटर करती है, दूसरे देशों बना ही नहीं रखी, कर व्यापार किससे करेगा। जैसे जब अभी 12th लेवल पे आओगे तो आप पढ़ोगे लगभग, हमने क्या नाम है, एक बार 1974 में परमाणु परीक्षण करा था, ठीक है, सॉरी हो जाता कोई बात नहीं, 1974 में हमने परमाणु परीक्षण करा था, उसके बाद हमने 1998 में करा था, तो इस वक्त हमारे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे, हमारे देश पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें नोटिस करी जाती है, ठीक है। दूसरे देश सहयोग, फॉरेन पॉलिसी कैसी है, क्या दूसरे देश आपसे व्यापार करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें मैटर करती है। और जब व्यापार वगैरह आता है, व्यापार का मतलब पैसा ही समझ लो, ठीक है, तो इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है। तो यहाँ से डेमोक्रेसी कहाँ दोस्तों? अच्छा अब इसके अंदर भी सामाजिक में हमने पढ़ा, जनता क्या उम्मीद करती है डेमोक्रेटिक सरकार से, तो यहाँ भी तो कुछ उम्मीदें होंगी दोस्तों। क्या उम्मीद है? कि जो भी आर्थिक असमानता, आपने एक चीज देखी होगी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर क्या देखा होगा, कुछ लोग तो ऐसे जिनके पास बहुत पैसा भाई, कुछ लोगों के हाथ में पूरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, समाज की अगर देखी जाए तो पूरी संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में, लेकिन कुछ लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है दोस्तों, इतना नहीं है कि वो ठीक से खा सके, वो ठीक से पढ़ सके, वो ठीक से इलाज करा सके, ठीक से कपड़े पहन सके, ठीक से घर में रह सके, इतना भी नहीं है। एग्जाम्पल लो बांग्लादेश ले लो, बांग्लादेश के अंदर खाने को भी नहीं है, ये भी डिपेंड है, निर्भर है भाई, डिपेंड निर्भर है किन देशों पे, अमीर देशों पे, ठीक है ना। तो सरकार से क्या उम्मीद करते हैं भाई? सरकार से बस ये उम्मीद करते हैं, जो ये आपका जो दिख रहा है ना दायरा, एक बंदा यहाँ पे, पूरी संपत्ति इसके हाथ में, कुछ संपत्ति इन लोगों के हाथ में, इसको चीजों को कम करें, ठीक है। जो गैप है ना अमीर और गरीब, अब अमीर यहाँ है गरीब यहाँ है, तो इस गैप को इतना इक्वल करे, इसको थोड़ा कम करे, तो ये उम्मीद करती है जनता, ठीक है। तो हमें आर्थिक भी क्लियर हो गया, सामाजिक भी क्लियर हो गया, अब हम बात करेंगे किसकी भाई, राजनीतिक, ठीक है। देखो यही पूरा पॉइंट समझ आ गया, वैध शासन मतलब क्या, लीगल की बात हो रही है, ठीक है। जिम्मेवार मतलब अगर कुछ भी चीजें होती है तो जिम्मेवार कौन होती है, उसकी गवर्नमेंट होती है। उत्तरदायी कुछ भी गलत करती है उसका जवाब देती है, ठीक है, उत्तरदायी होती है हर चीज के लिए। अब यहाँ तो बहुत आसान लगेगा आपको, आराम से समझ आ जाएगा। देखो डेमोक्रेसी के अंदर जो भी डिसीजन होते हैं वो थोड़े लेट होते हैं, सही बात है भाई, थोड़ा प्रोसेस एक प्रक्रिया चलती है, लेकिन जो डिसीजन होते हैं फिर एकदम बेहतरीन डिसीजन आता है, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आपको फैसले लेने होते हैं, अगर कुछ भी फैसले हो गए कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, उसके बाद नागरिक के पास राइट है, वो फिर विरोध भी करेगा आपका,
ठीक है, फिर नागरिक के पास इतना राइट होता है, फिर वो अच्छे से विरोध कर सकता है आपका, ठीक है, वो विरोध नहीं करते हो बात अलग है, फिर विरोध कर सकता है, उसके पास ये राइट होता है। तो सरकार के जो भी नियम कानून होते हैं सरकार को उसका पालन करना पड़ता है, अगर नहीं पालन करता फिर नागरिक क्या करता है, उसका विरोध करता है। ये तीनों चीज जो आप डेमोक्रेटिक सरकार में देख रहे हो, क्या ये गैर लोकतांत्रिक जो भी मोनार्की सिस्टम राजतंत्र वगैरह होता है, तानाशाह वाला सिस्टम होता है, वहां ये चीजें होती है? नॉर्मल सी बात है दोस्तों, चीजें वहां पे नहीं होती है। इतनी सारी फैसिलिटीज मिलती है डेमोक्रेसी के अंदर जो हमें वहां नहीं मिलती, तो समझ जाओ डेमोक्रेसी की कितनी वैल्यू है। ठीक है ना, इंडिया में इतनी विविधता है दोस्तों, इतनी डाइवर्सिटी है, फिर भी डेमोक्रेसी पर बहुत अच्छा देश है हमारा, बस इतना समझ लो, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी डेमोक्रेसी बनी हुई है। हाँ समझो, समझ आ गए ना, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है हमेशा जवाबदेही होती है, कुछ भी करेगी तो उसको जवाब देना पड़ता है दोस्तों उसका, ठीक है, नियमित रूप से, यानी रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए, फ्री एंड फेयर क्या होने चाहिए, इलेक्शन, निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, और जो भी कानून बनता है वो एकदम पब्लिक डिस्कशन होकर बनता है, सार्वजनिक चर्चा में बनता है, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है, संसद में डिस्कशन चलता है, टीवी में देखते हैं हम, ठीक है, मोदी जी एकदम पास से देखते हैं, ठीक है, तो सार्वजनिक चर्चा होती है अच्छी तरीके से, सभी नागरिक जो है उन तक सूचना पहुंचती है, मतलब जो भी चीजें होती है इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच जाती है, फिर उस हिसाब से नागरिक उसके पक्ष में बात करते हैं, विरोध में बात करते हैं, अगेंस्ट में, और आपके पक्ष में चीजें होने लग जाती है, ठीक है, अगर ज्यादा मेजोरिटी अगर विरोध करती है तो फिर वो कानून नहीं बनता, क्योंकि मूवमेंट वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें कानून बन जाता है तो फिर चेंज भी कर देते हैं, तो बहुत सारी चीजें खुश रखना पड़ता है जनता को। इसके अंदर भी जनता कुछ उम्मीद करती है, जैसे उसके अंदर अमीर गरीब का गैप कम होना चाहिए ये उम्मीद करती है, ठीक है, इसके अंदर भी कुछ उम्मीद करती है, क्या उम्मीद करती है, हम तीनों के अंदर उम्मीद पढ़ रहे हैं जनता की, लोगों की जो भी जरूरत है, जो भी नीड्स वगैरह है, जो भी डिमांड है, जो भी मांगे वगैरह उसको पूरा करें, ठीक है ना, गवर्नमेंट आपकी जनता क्या मांग करती है कि जरूरत और मांगों को पूरा करा जाए, उसके बाद भ्रष्टाचार से मुक्त करा जाए, करप्शन से, करप्शन नहीं ज्यादा पॉलिटिक्स में ही होता है, ठीक है ना, तो इस चीज से मुक्त करें, ये चीजें कौन रखती है भाई, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फर्ज है सारी चीजें करना। आपको लगभग पूरा चैप्टर दोस्तों मैंने फिनिश करा दिया है, ठीक है, लगभग अपना पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है, अब एकदम लग जाओ पढ़ाई में, पॉलिटिकल एकदम फिनिश हो गई है, अब आपको स्कूल खोले और मैंने पूरा एकदम पॉलिटिकल एकदम सिलेबस एकदम ओके करा दिया है, तो 5 चैप्टर अपने लगभग फिनिश हो गए हैं, ठीक है दोस्तों, पॉलिटिकल के, उसके बाद आपके 5 चैप्टर हिस्ट्री में आ रहे हैं, जो कि अब आपको सुनील सर कराने वाले हैं, ठीक है, ये अपना फिनिश हो गया है, इसमें सुनील सर कराने वाले हैं, फिर जियोग्राफी में लगभग 7 आ रहे हैं, फिर फाइनल टर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, वैसे तो आपके मिड टर्म में 3 यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, 3 यहाँ से आ रहे हैं और शायद 3 यहाँ से आ रहे हैं, इसमें शायद 2 या 3 आ रहे हैं, ठीक है, तो मिड टर्म का तो अपना सिलेबस खत्म हो चुका है, उसके बाद जियोग्राफी आपको कौन कराएंगे, तो आपको योगेश सर कराएंगे, इको का देखते हैं कौन कराएगा आपको, ठीक है ना, इको की भी बात करेंगे, शायद मैं कराऊं, फिर योगेश सर या सुनील सर में से कौन कराए, बाकी पॉलिटिकल आपकी एकदम फिनिश हो चुकी है, अब पॉलिटिकल में क्या करेंगे, अच्छे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लगाने वाले हैं, कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब मैंने बोल दिया था, अभी क्या बोला था कि एचआर एकेडमी से आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आपको PYQ, आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम सब लगा देंगे, एकदम क्वेश्चन बाहर आएगा नहीं, कहाँ से आएगा, कहाँ से पूछेगा, सभी लगा देंगे, पूरे PYQ लगा देंगे 10 ईयर के, उसके बाद MCQ वगैरह सारे लगा देंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा देंगे, मतलब कहाँ से पूछेगा, वो पागल हो जाएगा वो, एक क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा दोस्तों, सेम टू सेम, तो यहाँ पे अपना चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है ना, देखो पूरा मैंने एकदम आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया है, कम से कम वीडियो पे लाइक वगैरह आनी चाहिए, लाइक वगैरह आती ही नहीं है, बस देख के भाग जाते हो तुरंत, लाइक वगैरह कर दिया करो, अच्छे से कमेंट वगैरह कर दिया करो, एक मोटिवेशन मिलता है, तुम ही तो मोटिवेशन हो, ठीक है ना, चलो खत्म करते हैं, बाकी तुम नहीं करोगे तो कोई नहीं, हमें तो वीडियो बनानी है भाई, टेंशन लेने की बात नहीं है, पूरा पूरा सपोर्ट है, ठीक है, चलो थैंक यू।